तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। और आज ये वीडियो बहुत ज़्यादा नई नहीं है, ये वीडियो 1.5 साल पुरानी है समझ के चलो। क्योंकि ये जो अमेजोन बेसिक का वैक्यूम क्लीनर आप देख रहे हैं, ये मैंने 1.5 साल पहले फरवरी 2022 में ऑर्डर किया था। और आज मैं 1.5 साल बाद इसका यूज़र एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मतलब मुझे कैसा लगा ये प्रोडक्ट 1.5 साल यूज़ करने के बाद। क्या ये वैल्यू फॉर मनी रहा और क्या क्या दिक्कतें आई, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप इस सेल में ये वैक्यूम क्लीनर या फिर कोई भी वैक्यूम क्लीनर लेने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखिएगा। हो सकता है आपके 4-5 हज़ार बच जाएं या फिर किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट हो जाएं। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये अमेजोन बेसिक का वैक्यूम क्लीनर है और ये मैंने फरवरी में 2022 में मंगाया था। और इसका अनबॉक्सिंग वीडियो आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने मेरे चैनल पे एक्चुअली पहला वीडियो ही था यही। उसके बाद हमने इसको बहुत यूज़ किया। एक्चुअली में मैंने इसको मंगाया था, अपने मेरी एक दुकान है जूते की, तो उसको साफ़ करने के लिए मैंने इसको ऑर्डर किया था। तो ये अमेजोन बेसिक का वैक्यूम क्लीनर है। अमेजोन बेसिक किसकी कंपनी है, अमेजोन बनाती है और अमेजोन पे जाहिर सी बात है मिलेगा। और ये 15 लीटर वाला वेरियंट है, एक और वेरियंट था 25 लीटर का तब, अब पता नहीं। और इसकी MRP 7,000 थी उस समय, मुझे ये उस समय 4,300 का पड़ा था। अभी इसकी क्या प्राइसिंग है आप यहाँ देख सकते हैं फिलहाल सेल में। इसके साथ मुझे 1 साल की वारंटी मिली थी और सबसे बड़ा कंसर्न उस समय था कि इसकी वारंटी हम मतलब लेंगे कैसे। लेकिन ऐसा कोई नौबत ही नहीं आया, 1 साल के अंदर ये बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ, अभी तक मतलब चल रहा है ये। तो स्टेप बाई स्टेप बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम इसके प्रॉज यानी कि इसकी अच्छाइयाँ जो हैं हम उसकी बात करेंगे कि 1.5 साल यूज़ करने के बाद मैं इसमें मतलब क्या क्या अच्छाइयाँ इसके लिए बता सकता हूँ आपको। तो अगर सबसे अच्छी बात इसकी मैं बताऊँ आपको, तो उसकी सबसे अच्छी बात यही है ना कि अभी 1.5 साल हो गया मुझे इसको यूज़ करते हुए, लेकिन एक बार भी कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि मतलब ये जल फूक गया हो, कोई इसका मोटर ख़राब हो गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो ऐसा बहुत मतलब देखो, ये एक नया प्रोडक्ट है, जाहिर सी बात है एक चाइनीज़ प्रोडक्ट है, अमेज़न वाले खुद तो बनाते नहीं हैं। तो एक चाइनीज़ प्रोडक्ट 1.5 साल तक चला है और उसका कुछ मतलब हुआ नहीं, तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इसका एक सबसे बड़ा प्रॉज यही है कि मतलब ये बहुत टिकाऊ है, ख़राब नहीं होगा। उसके बाद दूसरी बात करें ना, तो बहुत सारे वैक्यूम क्लीनर में ये प्रॉब्लम आती है कि जैसे उसको अगर हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं 2-1 साल, उसकी जो खींचने की पावर होती है और जो ब्लोअर का पावर होता है, इसमें दोनों है, ये खींचने वाला है और ये इससे फेंकने वाला है, तो ये पावर कम हो जाता है समय के साथ, क्योंकि वो मोटर्स में ना कचड़ा फंसने लगता है या फिर कुछ ऐसा होता होगा, पावर्स कम हो जाती हैं। लेकिन इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने 1.5 साल इसको यूज़ किया है, जैसा ये पहले दिन था वैसे ही आज के दिन भी काम करता है। तो उस मामले में तो ये बहुत बढ़िया है। अच्छा, तीसरी बात जो इसकी है ना, वो मतलब इसके इंटरनल को लेके है। इसमें एक फ़िल्टर लगा हुआ होता है, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। इसमें एक छोटा सा नहीं बड़ा सा, यहाँ पे ये फ़िल्टर लगा हुआ होता है और इस फिल्टर को साफ़ करना ना बहुत ईजी है। अभी मैं यहाँ खोलना नहीं चाहता, वैसे नीचे से खुल जाएगा, अभी पूरा धूल धूल हो जाएगा। तो इस फिल्टर को साफ़ करना भी ना बहुत ज़्यादा इजी है, बस वो खोल के झाड़ देना आपको और वो तुरंत से तुरंत साफ़ हो जाएगा। इसका आसानी से साफ़ हो जाना ना एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा होता है कि 1 हफ्ता 15 दिन यूज़ करने के बाद वो फंस जाता है कचड़ा उसमें, तो इसका सक्शन जो होता है ना, जो खींचने की क्षमता है वो कम हो जाती है। तो उसको अगर झाड़ देंगे आप तो सही से वो काम करने लगता है और मोटर भी कम गर्म होता है, तो उससे मतलब इसकी जो लाइफ है ना वो थोड़ी और बढ़ जाती है। तो उसका एक ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है मेरे नज़र में। उसके बाद अगर बात करें ना, तो देखो अभी तक 1.5 साल हो गया इसको यूज़ करते हुए, लेकिन इसमें कोई भी मेंटेनेंस वर्क नहीं आया है, इसका एक प्लास्टिक भी नहीं टूटा हुआ। जैसे इसका एक व्हील देख रहे होंगे आप, अभी भी ये व्हील फर्स्ट क्लास काम करता है। ये जो व्हील्स इसमें लगे हुए हैं ये भी अभी फर्स्ट क्लास काम करते हैं। तो मतलब इसका फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि इसमें मतलब ऐसे कि पहिया निकल गया या फिर ये इसका लॉक देख सकते हैं, ये सब काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं इसमें बनाई गई थी। और 1.5 साल यूज़ करने के बाद मैं कह सकता हूँ कि ये काफ़ी मजबूत और मतलब ऐसे इंडियन फैमिलीज़ के लिए बनाया गया है। और अगर इसकी मतलब वैसे तो बहुत खासियत है, मैं सब तो नहीं बता सकता यहाँ पे, लेकिन आखिरी मैं बताता हूँ तो वो है ना कि इसका बहुत ज़्यादा इजी टू यूज़ है ये, इसको कोई भी यूज़ कर सकता है। क्योंकि देखो यहाँ पे इसके यहाँ पे बटन है ऑन ऑफ करने के लिए, यहाँ से हवा खींचता है, यहाँ हवा फेंकता है। अब आप पाइप जिधर लगाएंगे उधर आपको मतलब ये जिस अगर आपको एज अ ब्लोअर यूज़ करना है तो आप एज अ ब्लोअर यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको एज अ वैक्यूम क्लीनर यूज़ करना है तो एज अ वैक्यूम क्लीनर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसमें अगर मान लीजिए वेट यूज़ करना है, जैसे पानी गिर गया उसको खींचना है, तो वो भी काम ये कर देता है, तो वो भी मतलब एक अच्छी बात है। इसमें बहुत सारे वैक्यूम क्लीनर में ऐसा नहीं होता है। और इसके साथ
मुझे बहुत सारे अटैचमेंट्स मिले थे लेकिन उसमें से कुछ ही मेरे पास अभी बचे हैं, क्योंकि एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा यूज़ होता नहीं था उसका, क्योंकि मुझे वो जूता ही क्लीन करना था और मेरे घर में कोई मैट वैट लगी नहीं है, तो वो सारे चीज़ें मेरे हाथ से गायब होती गई होती और यूज़ पड़ता नहीं है, तो मैंने फिर उसको मंगाने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन अगर आप चाहें तो अमेज़ॉन से उसको फिर से ऑर्डर कर सकते हैं और मेरे ख्याल से वो अवेलेबल है, अगर होगा तो मैं लिंक नीचे ज़रूर दे दूंगा। ये सब रही इसकी प्रॉस, ठीक है। अब इसके मैं कॉन्स यानी कि इसके इसकी बुराइयाँ कुछ बताऊँ आपको, कि सबसे बड़ी बुराई इसकी यही है ना कि बहुत पावर खाता है, मतलब आप इसको इन्वर्टर से नहीं चला सकते, आपको इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ऐसा अक्सर होता है कि घर साफ कर रहे हैं हम लोग, लाइट चली गई, उसके बाद उसको रोकना पड़ता है, तो ये इसकी बहुत बड़ी कमी है। एक मेरे ख्याल से इसका मोटर थोड़ा सा, लेकिन वही प्रॉब्लम हो जाती है ना कि मोटर थोड़ा सा कम पावरफुल दे देंगे तो फिर ये प्रॉब्लम होने लगेगी कि वो मतलब बैलेंस नहीं हो पाया सही से। तो इसका जो प्लास्टिक है ना, देखो मजबूत मैं नहीं कह रहा हूँ, मजबूत नहीं है, मजबूत बहुत अच्छा है, बहुत हार्ड प्लास्टिक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि बहुत ज़्यादा डस्ट खींचता है ये। अब ये पता नहीं मेरे ऐसा क्यों है, हो सकता है ये बहुत मैटी फिनिश में दे दिया हो या कुछ ऐसा किया हो इन लोगों ने कि बहुत ज़्यादा डस्ट खींचता है। अभी आप देख पा रहे होंगे, वो कैमरे में शायद सही दिख नहीं रहा हो, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा धूल चिपका हुआ है, इसको मैं बहुत ज़्यादा पोछा हूँ, पानी लगा के भी पोछा हूँ, लेकिन ये साफ़ नहीं होता है, तो ये इसकी बहुत बड़ी कमी है। ये क्योंकि एक वैक्यूम क्लीनर है जो मतलब सब कुछ साफ़ करता हो और वो खुद गंदा हो, तो ये एक प्रॉब्लम वाली बात तो है ही। और इसकी आखिरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, वो इसकी प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम हमारी है। अब देखो ये ना बहुत गिमिकी चीज़ है, मतलब बहुत ऐसे दिखावटी वाला चीज़ है, अगर आपको एक्चुअली में इसकी रिक्वायरमेंट है तभी आप इसको परचेस करें, वरना ये किसी कोने में पड़ा रहेगा, इसको आप मतलब ऐसे झाड़ू लगा लेंगे लेकिन इसको यूज़ नहीं करेंगे। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि ये झाड़ू को रिप्लेस कर देगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झाड़ू को बिल्कुल रिप्लेस नहीं करेगा। लेकिन अगर आपके घर पे मैट है, मान लीजिए आपके घर पे पूरा टाइल्स लगे हुए हैं, उसके ऊपर से कालीन बिछी हुई है, तो ये आपके बहुत काम में आएगा, क्योंकि उसको साफ़ करने में ना ये बहुत हेल्पफुल हो जाता है। या फिर आपकी कोई दुकान है, दुकान में तो अक्सर काम में आ जाता है, कार क्लीनिंग में काम में आ जाता है, तो अगर ऐसा कुछ यूज़ हो तो ही इसको मंगाइएगा, वरना आपके 4-5 हज़ार फालतू के वेस्ट होंगे, ये तो मैं एकदम लिख के दे सकता हूँ। क्योंकि जैसे बहुत सारे लोग, हम लोग भी सोच रहे थे ऐसा जब हम लोग मंगा रहे थे कि झाड़ू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ऐसे जो जाले लग जाते हैं घर में उसको हम लोग ऐसे ब्लोवर करके उड़ा देंगे, तो ये सब ना बस ऐसे सोचने में होता है, एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं होता। तो अगर आपके मतलब जो जो मैंने यूज़ बताया, अगर वो यूज़ है, जैसे मेरे यहाँ मेरी शॉप थी तो उसमें यूज़ आ जाता था, तो अगर आपका भी कुछ ऐसा यूज़ है तो ही आप इसको ऑर्डर कीजिएगा, अदरवाइज़ इसको इग्नोर कीजिए पूरी तरीके से। तो यही रहा इस वीडियो का, मतलब मैं ऐसे नहीं कह सकता कि मत लो, अगर बहुत ज़्यादा मन कर रहा है तो मंगा सकते हो, अमेज़न पे अभी भी है, सेल भी चल रही है, बट ऐसे बहुत ज़्यादा यूज़ हो तो ही लेना, मैं तो यही रिकमेंड करूँगा। और ऐसे वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखना कि मतलब देखो मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, जो भी बोलोगे मैं वही बनाऊँगा। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि अब यूज़ का अब इसका रिव्यू बताओ कैसा है ये, तो मैं बना दिया वीडियो। अगर आपके पास भी ऐसा कोई रिकमेंडेशन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, और इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना यार, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।